पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण तो जी बच्चे चलो चलो बच्चे चलो जी हेलो हेलो आइए पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों आओ अपने मन को एकाग्र करें जोड़ दी भगवान जी की अत्यंत मनोहर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। ये महाशास्त्र गीता है जो हमें एकदम जगाती है और हमें हमारे में एहसास का मादा पैदा करती है। इसलिए मैं बारंबार कहा करता हूं एकाग्रता पूर्वक, शायद ही किसी जन्म में हमने गीता भी सुनी हो, मुझे शक है शायद नहीं सुनी होगी। इतना चोटी का शास्त्र, इतना चोटी का ज्ञान जिसके बिना बर्बादी बर्बादी है। वैसे हमने अपने गुजरी हुई जिंदगी को पर नजर दौड़ाकर देख लिया बड़ी एकाग्रता से, ताकि मेरे प्रभु कृपा करे और आप में कोई बात बैठ जाए। सारी गीता सुना देने के बाद भगवान ने आखिर में एक बार पूछा, संजय ने पूछा, धृतराष्ट्र ने पूछा, अर्जुन ने अनेक बार पूछा, लेकिन भगवान ने केवल एक बार पूछा, बताते दिल से धनंजय कहीं फिर भी जहानत गया या नहीं। सुना तूने तबा यक्षु से तूने तमाम, अर्जुन मैं भी प्रश्न करूं, कहो मेरे मालिक क्या जो कुछ मैं तुझे उपदेश दिया तेने एकाग्रता पूर्वक सुना, जरूर क्या असर हुआ? हम भी से तो कोई पूछ सकता हूं, हम भी तो एक लंबे समय से अपने इष्टदेव भगवान जी की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। अर्जुन को तो थोड़ी देर के लिए सुनाया था और ये प्रश्न उसके सामने रख दिया गया। हमें तो 40, 42, 44, 45 साल होने वाले थे, लगातार सवेरी शाम सवेरी शाम सवेरी शाम यही उनकी वाणी सुन रही है। तो हमारे से भी जरूर पूछा जाएगा, एकाग्रता पूर्वक वाणी सुनिए क्या प्रभाव पड़ा। वाह, महाराज जी कहती है एकाग्रता पूर्वक सुनने के बाद अज्ञानता नहीं रह सकती। अच्छा, इसलिए अर्जुन ने तपाक से कहा, क्या महाराज पता चल गया दिल है मजबूत, अब पता चल गया ज्ञान मिल गया, इसलिए दिल है मजबूत, अब क्या करूंगा बजा लाऊंगा आपके हुक्म कृष्ये वचनम तब, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, मुझे असलियत का पता लग गया मेरे मालिक। वो इस सारे संसार की जो सारा संसार मेरी देवियों चलायमान है, जिधर भी नजर जाती है कोई भी तो चीज टिकी हुई नहीं। जैसे घर में मेहमान आते, मेहमान का अर्थ ही क्या है, चलायमान इजिकल टू मेहमान। संसार का हर प्राणी पदार्थ चलायमान, एक विशेष काम के लिए आता है पूरा करके चल देता है। शुक्र है इस जन्म में एक विशेष धार्मिक कर्तव्य पूरा करने के लिए हम सब आए गए, और अधूरा छोड़ के नहीं जाना, पूरा करके जाना। बहुत अच्छे, अति सुंदर, प्रभु शक्ति देंगे आपकी इस शुद्ध पवित्र और आदर्श भावना को लेकर। मेरे दयालु प्रभु जरूर आप पर कृपा कर रहे हैं और भी अपनी अनुकंपा करेंगे। आओ चले, आज मुझे मेरे प्रभु कुछ निराली प्रेरणा दे रहे हैं। हमारे उच्च कोटि अनुभवी महापुरुषों ने जिनकी भगवान तक पहुंच चुकी थी उनको हम अनुभवी कहती है, रियलाइज सोल, ऐसे सोल जो रियलाइज थे, जी भर के भगवान का दीदार कर चुके थे और भगवान की दिव्य शक्ति को ले चुके थे जी भर कर। उन्होंने फिर जो अपना अनुभव था वो मालिक को बताया और हमारे लिए छोड़ गए। आओ, वो बड़े स्याने थे मेरे बेटे, हम तो लौकिक स्याने हैं ना, वो पारमार्थिक स्याने थे, अलौकिक स्याने हैं। हमारे पास तो संसारी अकल है ना,
उनके पास क्या थी, डिवाइन विजडम। सुनो नेक जीवो, आज तो एकाग्रता पूर्वक मिल दी व्यू। आज मैं बड़े निराली ढंग से भगवान की प्रेरणा को लेकर कुछ विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूं। तो वो जानते थे, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकालदर्शी का मतलब एक तो समय गुजर गया उसको जाने वाले, एक गुजर रहा है इसको जाने वाले, एक भविष्य को जाने वाले। इसलिए इसे हम बोलते हैं ऋषिगण जो त्रिकालदर्शी हो। त्रिकाल भूत की, वर्तमान की और भविष्य की। अच्छा, इतनी ताकत भगवान देते थे, क्यों नहीं। जब पिताजी को यकीन हो जाता कि मेरा बच्चा आज्ञाकारी और बहुत ही अच्छा है, तो हजारों रुपए नहीं लाखों रुपए का कारोबार उसके हाथ में दे देते हैं। इसलिए जब भगवान को यकीन हो जाता है कि मेरा बच्चा मेरे द्वारा दी गई शक्ति का सदुपयोग करेगा, दुरुपयोग नहीं करेगा, तो फिर अपनी बोध शक्ति उसके हवाले कर देते हैं और वो उनकी शक्ति का सदुपयोग करता है। समझे, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। इधर उधर आपके अनुचित कहने पर हाँ ये हमारा कर दो, वो नहीं करेगा। वो जो भी कार्य करेगा जिसमें आपका परमार्थ बने, जिसमें आपका प्रलोक बने जी। तो ऐसे त्रिकालदर्शियों ने अनुभव किया। मेरे सज्जनों, ओ मेरे धार्मिक भाइयों, माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, क्या अनुभव किया कि आने वाली पीढ़ियों की बुद्धि खुली हुई नहीं होगी। अर्थात वो क्या होंगे, अल्पज्ञ, अल्प में थोड़ा, ज्ञान में जानने वाले, अर्थात लिटिल नोइंग प्राणी, लिटिल नोइंग प्राणी। हम सारे इसी में हैं, हम अल्पज्ञ हैं, जबकि जिसने हमें बनाया है वो सर्वज्ञ है। दो शब्द मेरे से पकड़ो ना, भगवान सर्वज्ञ और हम अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाले। हमें ये नहीं पता लगता आज से चौथे दिन हमने सवेरे क्या खाया था, इतनी भी अक्ल का हमने खुद खाया है। लेकिन कोई अगर पंचवे दिन तूने शाम को क्या खाया था, भूल जाता है, साथ साथ ही भूलता जा रहा है, इतने अल्पज्ञ है। और भगवान सर्वज्ञ, ऋषि तीनों कालों की जानने वाले, आखिर बच्चे तो हम उन्हीं के हैं। तो उन्होंने कहा इतनी छोटी के जो उपदेश दिए जा रहे हैं, हां ये कहीं व्यर्थ ही न जाए। अच्छा, उनके इतनी छोटी के उपदेश व्यर्थ न जाए, शाबाश शाबाश। तो फिर माँ भी घर में करती थी, जब बहुत पौष्टिक भोजन करवाती थी तो साथ एक घर में विशेष चूरन बना हुआ था, बड़ा कड़वा। तो माँ के थोड़ा सा चूरन ले ले, मैं तुझे आज माखन काफी दे दिया, दही भी दे दी है, और ये कुछ और भी चीज काफी दे दी, तो ऐसा ना स्कूल में जाकर उल्टी कर दे। ये चूरन साथ ले भी जा, पुड़ी में मैंने बांध दिया है, और साथ को थोड़ा सा खा भी ले। इस तरह जो मैं आज सोने जा रहा हूं ये चूरन है, ताकि महापुरुषों को दिया हुआ चोटी का ज्ञान। हा हम ये ना कह, मेरी समझ नहीं आई, ये हमारे महर्षि वेदव्यास जिनके हम बच्चे हैं, जो हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता कहलाते हैं, ये जानते थे। इन्होंने तो हमें संस्कृति दी है, इन्होंने हमें सभ्यता अर्थात इंडियन डिवाइन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हमें अपने महर्षि वेदव्यास महाराज से मिली। इन्हीं की छत्र छाया में मैं और आप बैठ करके इनके ज्ञान को समझने की चेष्टा करके अपना कल्याण कर रही है। तो आज मैं इनको चूर्ण दे रहा हूं, कौन सा दृष्टांत, दृष्टांत हां पैरेबल, पैरेबल रूपक, उदाहरण। अच्छा, कुछ भी समझ लो, बात बात में भी जब होता है तो कोई ना कोई दृष्टांत दिया जाता है आपस में वार्तालाप करते हुए। आप कहते देख रहे जिस तरह रामू को अच्छे से रामू के साथ बीती थी, हाँ ऐसी मेरे चाची के साथ बीत रही है, तो वो देख कर गदी पिकअप कर लेगा। आप अपने बोलचाल में भी कई एक दृष्टांत दे जाते हैं, किसी का हवाला दे जाते हैं, मेरी बेटी वो जैसे कुशल्या के साथ बीती थी, अच्छा वही बीमारी इसको लग गई है, अब जल्दी लग, अच्छा वैसे समझाते रहे उसको समझ ही नहीं आएगी, किसी के साथ बीती हुई बात बता दो तो फौरन समझ आती है। आओ एकाग्र हो जाओ, बिल्कुल एकाग्र। आज मेरे प्रभु निराले ढंग से अपने सत्संग करवा रही है, फरमाती है एकाग्रता पूर्वक मेरे साथ शामिल रहना, शरीर रूप से भी और मानसिक रूप से विशेषकर। कहती है अब आप बहुत सी बात आज समझ आओगे, दृष्टांत द्वारा, रूपक द्वारा, ये एग्जाम्पल या मैं जो पैरेबल दे रहा हूं
इस पैरेबल द्वारा क्या कहती है, क्या एक ऊंट बिचारा थका मांदा भूख का मारा हुआ आया अपने भोजन की तलाश में। ऊंट एक बड़ा विचित्र प्राणी है, आप सब जानते हैं, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हो मेरी बेटी, सारे कम लगभग ग्रेजुएट तो सारी मेरी बेटियां हैं। तो ऊंट आपके आंखों सामने आगे मैंने समझ बोला तो चित्र बन गया होगा आपके सामने, रूप बन गया होगा जरूर। भगवान ने अजीब सा बनाया है, चलती फिरती मुंह बोलती क्या है, ये सीढ़ी है, ऊंट पूरी एक सीढ़ी की तरह है। कितने डंडों की सीढ़ी, 9 डंडों की सीढ़ी। अच्छा, इसमें बै ज्यादा होती है, हवा इसमें ज्यादा भरी होती है। अच्छा, तो इसको नमकीन चीज बड़ी अच्छी लगती है, खट्टी चीज और नहीं, नमकीन बेचे आप फॉलो कीजिएगा, साल्टिश जी। तो इर्द गिर्द आगे बगीचा आ गया, जखीरा आ गया, जखीरा अलाइंट से जिसमें नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं। इधर जो देखा एक बहुत फैला हुआ कीकर का वृक्ष दिखाई दिया। कीकर के वृक्ष पर ये बड़ा खुश होता है, क्यों, इसके पत्ते सारे नमकीन होते हैं आप सब जानते हैं, विशेष अपनी ध्वनि से उसने अपना बूथा मारा। अच्छा, तो पत्ते मुंह में बड़ा खुश हुआ, खूब पत्ते आए। ये खड़ा हुआ था किधर, दक्षिण की ओर, ये मेरे पीठ के पीछे दक्षिण कहलाएगा, दो बूथे मारे पत्ते तो आए, लेकिन बेचारा दुखी भी हुआ, क्यों, चुके कांटे भी चुभ गए, बेरी में बेची खिली हुई बेरी जो बहुत एक बड़ी लंबी चौड़ी बेरी हो, हां विशाल वृक्ष बना हुआ हो बेरी का, हां तो उसमें तो बड़े पत्ते होते हैं, कांटे भी तो होते हैं, रब ने कांटे भी बनाए हैं। अब इस मन में कहा, जिधर मैं खा रहा हूं पत्ते तो बहुत है पर कांटे बहुत है, जिधर मैं खड़ा हूं ना ये अच्छी तरफ नहीं है, तो उसने जरा अपना बदला और किधर हो गया, पूर्व की ओर खड़ा हो गया, इस साइड पर खड़ा हो गया। फिर उसने बूथा मारा अपना और बूथे मार के काफी पत्ते ले लिए, दोबारा बूथा मारा, तीसरी बार बूथा मारा, लेकिन वही हॉल, वही ढाक के तीन पात, वही ढाक के तीन पात, कांटे बहुत लग गए बेचारे को, पत्ते भी तो बहुत ज्यादा आए, अपने दक्षिण की ओर से ज्यादा पत्ते मिले लेकिन कांटे बहुत लग गए, नहीं ये दिशा भी अच्छी नहीं है, अब बेचारा फिर कहां जाएगा, आएगा उत्तर की ओर आ गया, मुड़ता हुआ इधर उत्तर है, इस तरह उस तरह वो फिर बड़े कांटे चुभे, नहीं ये दिशा भी डायरेक्शन भी अच्छी नहीं है, फिर आप बाकी चौथी तो रह गया पश्चिम, वो बेचारा इस साइड पे आ गया, हां फिर खूब पत्ते खाए, छलनी छलनी हो गया, अब ये बेचारा कई दिन नहीं खा सकेगा क्योंकि चारों ओर इतने कांटे लग गए। हां ऊंट कमला के सियाना बाबा, बहुत ही कमला, कमला उसने भूख तो मिटा ली, क्या भूख मिटाई, जो आप 5, 6, 7, 8 दिन तक कुछ नहीं खा सकेगा, सूज जाएगा मुंह, कांटे खूब लगे हैं, कौन इसको बताए कि डिटोल लगा ले सेप्टिक ना हो, इस बेचारे क्या पता, अब ये सारी सूजन आ जाएगी मुंह पर, हां ऐसा मुंह लगेगा जैसे कई ततियों ने काट खाया हो। हां ऊंट बुद्धू लंबा लम तड़म्मा, आहो इतना लंबा हो करके भी क्या, लंबा गए पर अकल कुछ नहीं, क्यों अकल कुछ नहीं, मोटर से तो बदल रहा है, आप कैसे कह सकती हैं, कैसे जुरत करती हैं, मैंने अभी अभी तो कहा था वो दक्षिण की हट करके पूर्व की ओर हो गया, पूर्व में कंटे चुभे तो आ गया उत्तर की ओर आ गया, इधर कंटे चुभे तो वो पूर्व की ओर आ गया, और क्या करे बेचारा, मैं बताता हूं
ऊंट को ग्रेजुएट नहीं है, ऊंट किसी मास्टर जी का पढ़ा हुआ नहीं, स्कूल में निकल गया, ऊंट तो एक जंगली जानवर है। हाँ, इसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं, ये मूर्ख क्यों है? इस मूर्ख को ये नहीं पता, महापुरुष कहती है ऊंट है ना, जानवर है ना, इसे ये नहीं पता कि मैं क्या दिशाएं बदल रहा हूं। हाँ, लेकिन वृक्ष तो वही है, हाय मैन मेरे साथ शामिल रहना, वृक्ष तो नहीं छोड़ रहा, वृक्ष वही है कि वह दिशाएं बदल रहा हूं। तो कर वही वृक्ष उसकी दिशा बदलने से कांटे नहीं रहेंगे क्या? वृक्ष तो वही है, सिंपली ऊंट चेंजिंग द डायरेक्शन एंड नॉट द ट्री इटसेल्फ। बिल्कुल, वृक्ष तो वही है ना, तरु तो वही है। हाँ, तो तरफे बदलने से क्या कांटे बदले जाएंगे? कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। ओ नेक जीवो, ओ मेरे भारत की धार्मिक देवियों, भला महापुरुषों का जो ऐसे दृष्टांत दे गए, चूर्ण के रूप में बड़ा कमाल का दृष्टांत है। आहा, शाबाश 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 शाबाश, ये हमारे महापुरुषों का शास्त्रीय हाजमोला है। वो आजमोला पेट के लिए होता है, बाजारों में शीशियां मिलती हैं। ये आजमोला कितना गजब का है, हमारा शास्त्रीय आजमोला, बुद्धि के लिए, मन के लिए। वो तो हमारे पेट के लिए आजमोला मिलता है। हाँ, बुद्धू है ना, बिल्कुल, इसे पता नहीं कि मुझे वृक्ष को बदलना चाहिए। तरफे बदलने से, दिशाएं बदलने से कांटे नहीं बदले जाएंगे, कांटे चुभेंगे। बिल्कुल, अब वापस अप्लाई करते हैं हमारे पर, ये संसार एक वृक्ष नहीं है क्या? भला हो महापुरुषों का क्या कमाल का, वेरी वेरी इंस्ट्रक्टिव एनेक्डोट पैरेबल, वेरी इंस्ट्रक्टिव पैरेबल है। ये सारा संसार जो रब ने बनाया है, ये क्या है? ये एक कैसा वृक्ष? पीपल का वृक्ष नहीं, ये क्या है, क्या है? ये कीकर का वृक्ष है, जिसे मैं अगर शास्त्रीय शब्द बोलूं, बबूल। ये एक बबूल का वृक्ष है, बबूल का। जी मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ मेरी अच्छी नेक दना लाडली बेटियों, अच्छा इसमें क्या है? इसमें दो प्रकार की सत्ता है, सुख की भी, दुख की भी। दुख के कांटे हैं, सुख के भी है, जैसे दिन और रात कभी अलग नहीं हो सकते। इसे भगवान ने सृष्टि ऐसी बनाई है, जहां सतोगुण है वह रजोगुण भी है, जहां रजोगुण है वह तमोगुण भी है, जहां श्याने है वह जल्ले लाकुले भी है, है। जहां पूर्णिमा का चंद्रमा आप देखती हैं, उसी रात्रि में कभी अमावस्या भी देखती हैं, है। ये टू अपोजिट चीजें हमें जरूर नजर आती है, जहां नर नजर आता है वह नारी भी नजर आती है। अच्छा, जब चमकता हुआ दिन नजर आएगा, वहां अंधेरे वाली पिच डार्क भी आपको दिखाई देगी रात। हाँ, तो आप ये ध्यान देना, पढ़ी लिखी मेरी बच्चियों, मैं जरूर चाहता हूं अपनी, आप जैसे आई वैसी बेटे से अपनी पढ़ाई मेरे कई बार का इधर लगाओ, वो पढ़ाई तो कमाल होगी, ठीक रहेगा, इधर लगाओगे जल्दी आप एक नेक जीव बन जाएंगे और भगवान की इस मंजिलों को जल्दी तय कर जाएंगे। लगाइए पढ़ाई इधर। संसार क्या है? टू अपोजिट पोल्स है, टू अपोजिट चीजें है। संसार क्या है? हाँ, संसार में विपरीतार्थक मिलते रहेंगे दोनों चीजें। रब ने एक चीज नहीं बनाई, आप वो चीज पसंद करती हो जो आपको लाइकिंग है या जो आपके अनुकूल है, लेकिन इतने पढ़े लिखे होते भी ये भूल जाती हो क्या? जैसे आप दिन पसंद करती हैं तो क्या रात नहीं आएगी? आएगी। आप मान पसंद करते हैं तो कोई भी अपमान नहीं देगा आपका? करेगा। जिनके आप अनुकूल रहेंगे, हाँ, वो आपको मान देंगे, लेकिन क्या एक व्यक्ति आप जैसा हर एक के अनुकूल हर रोज रह सकता है? दूर ना जाइए, गली में ना जाइए, मोहल्ले में ना जाइए, अपने घर में जाइए। घर में एक बहन सारों को खुश रोज नहीं कर सकती। इतना नजदीकी पवित्र रिश्ता, खून का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, पिताजी का रिश्ता, माँ जी का रिश्ता, हर रोज हम अपने बहन भाइयों को खुश नहीं कर सकते, हर रोज अपनी माँ जी को भी खुश नहीं रख सकते।
पिताजी को भी खुश नहीं रख सकते। हाँ बाकियों की तो बात बहुत दूर की बात है, जो हमारे इतने नजदीकी हैं, जो हमारे जिगर हैं, हमारे मंजूर नजर हैं, हमारा अपना खून है, जिनके खून में हमारे सेल मिलती है, अर्थात जीवाणु, बहन जी का, बहन का खून का हमारा खून बराबर, भाई का बराबर, पिताजी का हमारा बराबर, करके खून देना पड़े तो परिवार में से कोई भी दे सकता। आमतौर पर कभी कभी देखा गया सेल नहीं मिलते, आमतौर पर जीवाणु मिलते हुए, इतना नजदीकी रिश्ता है हमारा। अच्छा तो उनमें भी आपस में कभी मुठभेड़ हो जाती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाती है, मेरा मेंट से मतभेद हो जाती है। हाँ तो फिर हम क्यों नहीं संसार को जानते, ये तो एक कीकर का वृक्ष है, जहां क्या है ध्यान देना आपके मुताबिक, और ये कहां का रहना आपके मुताबिक, सुख थोड़े हैं दुख बहुत ज्यादा। उठने बूथा तो मारा, उसको नमकीन पत्ते तो मिले, बड़े मजेदार लगते हैं, चूंकि वो बैला जीव उसमें बै भरी होती है, हवा बड़ी उसके अंदर ज्यादा भरती है। हाँ जिनके अंदर कई मनुष्य ऐसी गंदी चीजें खा लेते जो हवा पैदा करती है, उनके मुंह में से भी हवा निकलती रहती है, नीची में से भी बदबूदार हवा निकलती है। हाँ जमाइयां भी आती रहेंगी, मराइयां भी आती रहेंगी, समझिए कोई ना कोई बीमारी लगने वाली, मेरा कहना मान लेना। जिनको दिन में जमाइयां आ रही हो, अंगड़ाइयां आ रही हो, हवा निकल रही हो, हवा खारिज हो रही हो, समझिए बीमारी कौन लग रही, क्यों? क्योंकि आप में हवा ज्यादा भर गई थी। या तो अटपैरी रोटी खाओ और कोई बैग को दूर करने वाली कोई चीज लो। मैं बताता हूं ओजस, ओ जे यू एस, जब कभी ऐसा दे, ओजस बोल रहा हूं, बाजार से ले लेना और घर में रख लेना, ओजस दो चमचे उसके दो चमचे पानी के, कभी ना कभी भोजन के बाद जरूर ले लेने चाहिए। मैं बरसों से आजमा रहा हूं, आजमाई बात आपको बता रहा हूं, ओजस ओ जे यू एस। अच्छा ये आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो आपके लिए हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए बहुत अच्छी है। दो फिर भूल कर बैठा, दो चमचे दवाई के और दो चमचे पानी के कौली में डाले और ले लिए। जब आप देखें कि मेरे में हवा पैदा हो रही है या पेट मेरा भारी भारी हो रहा है, बीमारी को मौका ना दो, फौरन लीजिए और आप मुझे जरूर धन्यवाद देने आएंगे, मैं इंतजार करूंगा। हाँ तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर कहूंगा दवाइयां है ना, गलती लगा मैं, ओजस ओजस ओ जे यू एस तीन चार बार बोल चुका हूं, कहीं वहां जाके मोजस मोजस कहने लग जाए, मोजे वो तो जराबे होती है, मैं ओजस कह रहा हूं ओ के साथ, ओ जे यू एस लिख लो कहीं अगर बाजार में लेनी हो तो, ओ जे यू एस आयुर्वेदिक तैयार कर दा। चलाओ अब मैं आगे बढ़ू, तो संसार तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है, मैं और आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा इसको ऐसा समझे, ऊंट को कौन समझाए, ऊंट तो जितनी भगवान ने उसे सामान्य बुद्धि दी है वो कहता सिर्फ मैं इसकी दिशा बदल दूं, कांटे नहीं चुभेंगे, कहते नहीं चुभेंगे जब वृक्ष हुई है तो। अब हमारे पास विशेष बुद्धि होती है, जानवर के पास सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि का मतलब कोई बता सकता है मुझे, सामान्य बुद्धि का अर्थ क्या होता है? वेरी गुड मेरी विमला, वेरी गुड बेटी, सामान्य बुद्धि होती है सिर्फ खाने पीने और भोगने की, बस उनको खाने का पता है, पीने का पता है और बच्चे बनाने का पता है, इससे परे कुछ नहीं पता। ताकि वो जिंदा रहे भगवान ने सामान्य बुद्धि दी है, कैसे खाया जाए ये पता है, कहां से खाया जाए यही पता है, पिया जाए प्रकाश से पिए जाए यही पता है। वो किले तोड़ा के भी पानी पीने जाएंगे, किले तोड़ा के भी, पड़े भूख लगी है घास पड़े है किसी चाहे दूसरा खेत है तोड़ा के भी खा लेंगे। अच्छा जब यह गौशाला थी मैं एक गैया को देख के हैरान रह गया, वो अपनी बकवास नहीं कर रहा, मुझे मां पाप लगे बकवास कर रहा हूं, तो सच्चाई कह रहा हूं, अपने मुंह से अपना रस्सा खुलवा लेती थी। मेरे कर्मचारी ने कहा आपको तमाशा दिखाए, ये देखिए ये अपने मुंह से खोल रही है, क्यों? ऊपर बाल्टियां भरी होती, वो चना भोग भीगा हुआ था, बिनोले भीगे पड़े थे और पता क्या तीन चार चीजें भीगी पड़ी होती थी, उसको शौक तक मैं यही खा लू। हम हैरान होते थे कि बाल्टी भरी खाली हुई पड़ी है, गई गई का कुछ और थोड़ा उठा के ले जाएगा, तो गैया पकड़ी गई, भाई गैया चोर है, ये रस्सा खुला लेती है,
और अपने मुंह से जैसे आदमी खोलता हो। वाह मेरे दाता, तो ये भूखे ना मरे, ये सामान्य बुद्धि मेरे मालिक मेरे प्रभु जी उनको प्रदान कर देते हैं। आप विशेष बुद्धि आपके पास है, विशेष बुद्धि का मतलब क्या, आपको इसके आगे ही पता है, खाना पीना भोगने के बाद यानी ईटिंग ड्रिंकिंग एंड मैटिंग के बाद मैटिंग और भी कुछ पता है। इस बुद्धि ने कमाल कर दिया, इसी बुद्धि के कारण से तो आपने क्या क्या चीजें रिसर्च की है, क्या क्या चीजें इन्वेंट की है, क्या क्या चीजें डिस्कवर की है। बस दाना इंसान ने एक नलैकी की, मैं जब दाना भी कह रहा हूं फिर नलैकी कह रहा हूं, होगी ना परस्पर विरोधी बात, कंट्राडिक्शन। दाना इंसान ने एक गलती की, बड़ी चीजें याद की, उसका प्रयोग नहीं सीखा, प्रयोग तबाही में लगा दिया। वरना सचमुच इस दुनिया में स्वर्ग उतर आता और देवता देखने आते अगर हम इनका प्रयोग ठीक कर सकते तो। हमें इसकी यूटिलाइजेशन नहीं आई, जैसे आपने टीवी इजाद की, बहुत अच्छे, ये किसी त्रिकालदर्शी बड़े तपस्वी को मिलती थी, हजारों मील बैठे हुए हजारों मील की चीजों को देख लेना, ऋषियों का ये ताकत आती थी। और आपने सिर्फ इजाद करके भी चक पापी से पापी हो तो भी कई से कई कुछ हो रहा है। अमेरिका में कोई चीज खेल खेले जा रहे, इंडिया देख रहा है, इंडिया में हो रहा है तो पाकिस्तान इंजॉय कर रहा है, मीलों मील दूर देख लेते हैं। लेकिन नलायक इंसान को टीवी का प्रयोग करना ना आया, अपने लिए तबाही खड़ा कर ली, गंदी चीजें देखना, ये देखना, वो देखना, नाच गाना देखना, और जैसे आप कहते हैं इस तरह अपनी तबाही के समान आप पैदा किए। हमें प्रयोग करना नहीं आया, विशेष बुद्धि दी थी मालिक ने, हम उसका प्रयोग ठीक करते। बाबा कैसे प्रयोग करते, यदि हमने मालिक का ज्ञान लिया होता तो। मालिक के ज्ञान से ही हमें पता लगता है, ओ नेक जीवो, ओ मेरी गीता से प्यार करने वाले, गीता के पैरोकार, गीता के अनुयायी मेरी बेटियों, अगर हमने, काश हमने ये भगवान का ज्ञान लगाया होता जिससे पता लग जाता है करना है क्या और ना करना है क्या, देखना है क्या, सुनना है क्या, बोलना है क्या, खाना है क्या, लेना है क्या, देना है क्या, जाना है क्या, ये भगवान का ज्ञान होता तो हमें पता लग जाता। हमें रत्ती नहीं परवाह की भगवान के ज्ञान की, और भगवान के अवतार की परवाह नहीं की। भगवान का अवतार समझा, सखियों के लिए आए थे, गौ चराने आए थे, यमुना के खेलने आए थे, वो अकल के धनियों, वो भगवान का बालक पाना था। सही रूप में भगवान दो कामों के लिए अवतार लेती है, क्या, भलों को बुरों से बचाता हूं मैं और बुरों को जहां से मिटाता हूं मैं। आप जैसों के लिए अवतार लिया था, क्या आप धार्मिक व्यक्तियों की क्या स्पीड बढ़ाने के लिए, और जो आप में बाधा है उसको दूर करने के लिए। बाधा कौन होते, रजोगुणी जीव शैतान, राक्षस दानव, उनको दूर करते हैं भगवान। और आपकी स्पीड बढ़ाए तो भगवान ने ज्ञान दिया आपको, ज्ञान तो था, थोड़ा था ज्ञान। तो भगवान का अवतार फॉर टू पर्पसेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाँ तो ज्यादा तो उन्होंने आप लोगों के लिया है, क्योंकि उनका वचन है कि भगत जब भी पुकारेंगे मैंने किसी न किसी रूप में मुराद अपनी पाते रहे, मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाते रहे। जब आप अनेक पुकारते कि हम एक नौरानी रूप में भगवान को देखना चाहती हैं, भगवान कहते मैं हाजिर, भगवान से इनकार नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जब अनेक पुकारे, वैसे भगवान निराकार रूप में सर्वव्यापी है, लेकिन साकार कब, जब अनेकों की पुकार आए तब साकार हो जाता है। वैसे तो जल का काम क्या, बहना, पर जब ज्यादा सर्दी लग जाए तो वही पानी बर्फ भी तो बन जाता है। जब ज्यादा नेक जीवों की पुकार ठंडी ठंडी आ जाए तो भगवान जमने के लिए मजबूर हो जाती है। जो इतराज किया करते हैं कि भगवान का अवतार ही नहीं होता, वो ये भी कहा करें कि पानी कभी जमता भी नहीं है, लिक्विड चीजें जम जाती हैं जब सर्दी उनको आलिंगन करती है, एम्ब्रेस करती है, जब ठंडी एम्ब्रेस करेगी तो वो जम जाएंगे। हाँ तो जब अनेक जीव मेरे मालिक को, मेरे ईश्वर को पुकारती है तो वो जम जाती है। अजमाए बैठा हूं, परमात्मा आपको भी आजमाने का पूरा मौका दे और भी देंगे। मेरी नेक जीवो, ओ मेरी नेक भारत की दाना बेटियों, धार्मिक बेटियों, लाडली बेटियों, भारत की सवित्री, ओ मेरे भारत की सीता, ओ मेरे भारत की
देवियों, चमक उठो, चमक उठो, चमक उठो। कोई गीता का पैरोकार आपको पुकार पुकार के मुद्दत से कह रहा है और जीवन के आखिरी सांस तक कह के जाऊंगा। ऊंट तो एक साधारण जीव है, काटे खाका के मर गया बेचारा, पर हम दुख भी पाती हैं, फिर भी इसी संसार पे लट्टू होते हैं, करते क्या है, ऊंट की तरह। इस चीज ने मुझे दुख दिया, मैं नई चीज और ले लेता हूं, उस चीज ने मुझे दुख दिया, मैं और नई चीज ले लेता हूं, इससे मुझे दुख दिया, मैं और चीज नहीं ले लेता हूं। वो अकल के धनियो, संसार तो वही है ना, आप चीजें बदलते जा रहे हो, संसार का दृष्टिकोण नहीं बदलते। जब वो जख्मी हो तो मालिक उसके तो मेरा ऊंट मर गया, तो उसकी रस्सी पर परे ले जाता है किसी और वृक्ष पर। अब वो ले गया वृक्ष, क्योंकि वो तो फिर कभी उठता तो फिर मुंह मारता, ये ऊंट को नहीं पता, मालिक को पता कि इसके सारे कांटे ही कांटे हैं। जब आप अनेक ऐसा कर लेती हैं, एक ही वृक्ष बार बार संसार से दुख पाती हैं, पहले मालिक मेरे जैसों को भेजता है, मेरे जैसों को भेजा, हमने उनका रास्ता तैयार कर दिया, फिर उस रास्ते पर भगवान खुद अवतार लेने आते हैं। पहले हमारे जैसे आएंगे, क्यों, राजा की सवारी आनी हो ना, तो पहले चार पांच दस बारह आ जाएंगे, क्या सफा, रास्ता सफा करने के लिए, छिड़काव करने के लिए, झंडिया लगाने के लिए, अवतार से पहले मेरे जैसे झंडिया लगाने आते हैं, उनका रास्ता सफा करने आते हैं। हम रिल मिलकर उनके अवतार का रास्ता ही तो बनाई जा रही है, पर कब, जब भगवान के अनुसार हम अपनी रैन सैन बना लेंगे, और बनाएंगे जरूर। वी आर ऑल बाउंड टू डू लाइक वाइज। ओ मेरी माताओं, मेरी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे अच्छे भाइयों, हां ऊंट को मालिक खींच के ले गया, अच्छे वृक्ष पर मालिक जानता था, इस तरह भगवान ने अवतार लिया आपको खींच के ज्ञान की ओर लाने के लिए। आप क्यों चीजें बदलते जा रहे हो, चलो इस चीज ने दुख दिया फिर संसार की दूसरी चीज ले ली, ये चीज ने दुख दिया फिर संसार की दूसरी चीज ले ली, कितनी गंदी बात। अब तुम्हारी जाति भी दो दो तीन तीन शादियां करने लगी है, वो बेटी बैठी हुई जो रह ले गई है कि मैं तीसरी शादी कर लू, यही बैठी मेरे पास, झूठ बोलू तो मेरे मुंह पर लख लंत मारना, बेटी नीचे मुंह तो कर ले। अभी पूछा कि मैं तीस शादी कर लू, एक मर गया, एक छोड़ गया, और तीसरा जैसे ये अमर बूटी पी के आएगा, या हनुमान जी इसके बड़े चाचे चाचा लगते हैं जो संजीवनी बूटी लेके आएंगे, कितनी फिर वो संसार के कितनी बार चोट खाई, तीसरा फिर लेने को जा रही है, कितनी बार आपने चोट खाई, है ना ऊंट वाला हाल है, कितनी बार हम संसार से चोट खाती है, कितनी बार हमने बॉयफ्रेंड बनाए, हर एक ने हमारा मुद्दा पकड़ा, हर एक ने हमारा कैरेक्टर खराब किया, फिर भी तो बात आती है कि बॉयफ्रेंड ना बनाऊं, है ना ऊंट वाला हाल, कितनी बार आपने लेडी फ्रेंड बनाए और कितनी बार आपने जेब खाली की, गंदी बीमारी आपको लग चुकी है, इवन देन यू आर बाउंड, है ना ऊंट वाला हाल, कि हम दृष्टिकोण नहीं बदलते, सिर्फ क्या बदल रहे, चीजें बदलते जा रही हैं। हाय, डॉक्टर ने कितनी बार आपको कहा है कि आपके जिस्म पर दाने दाने निकले, आपके गणवेश है, फिर भी आप खुले कपड़े नहीं पहनते, मुझे अच्छे नहीं लगते, और अभी भी आप यहां के दिखाइए, बटन खोलिए, कितने दाने आपकी पीठ के पीछे, डॉक्टर कह कह के मर गया, आपकी शरीर और है, आपका खून का दौरा और प्रकार का है, आप खुले पजामे खुली ये कमीज पहने करो, मुझे अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होगा, फिर आप उन्होंने क्या कहा सबको, आप बोलो एक्जिमा हो जाएगा, एक्जिमा मतलब दाद, कैसी दाद, व्हीपिंग दाद, व्हीपिंग दाद कैसी होती है, जो दाने में से पानी निकलता, एक होती है ड्राई एक्जिमा, एक होता है व्हीपिंग एक्जिमा, अंग्रेजों के पास शब्द ही व्हीपिंग है, ये दाने रो रहे हैं, मतलब गीला गीला दाग निकलते, तो फिर उसका पानी दाग भी निकलेगा वो और दाद हो जाए बढ़ती जाएगी, लेकिन आप हो कि बिल्कुल नहीं छोड़ते, है ना ऊंट वाला हाल, डॉक्टर चेतावनी भी दे चुका, इवन देन यू आर बाउंड है। अब तो हमारी गवर्नमेंट छुड़वा रही है शराब, लेकिन ये तरीका गलत है, मैं इनको आज ही बता रहा हूं, वक्त का साधु उनको आज ही कह रहा है ये तरीका गलत है, जब तक के मनों में से नफरत ना पैदा हो जाए। हमारे बंसी लाल जी बंसी बजाते रहे, पर मैं पहले ही कह रहा हूं, हरियाणा का एक गीता पुजारी होता हुआ, ये नहीं सहेगी बंसी लाल, ये नहीं हो सकता, यहां हमारे कृष्ण कहती है यहां जबर से काम जब चल, पहले मन से हटाइए, मन से हटाते हुए जबरदस्त
बंद कर दे, मैंने बंद कर दी शराब, मन में तो है तो क्या होगा, मैं आज बता रहा हूं और आप देख लेना, और बंसी लाल भी देखे और बंसी लाल के बाकी मिनिस्टर भी देखेंगे, हमारे 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 हरियाणा का करोड़ों रुपया पंजाब खा जाएगा, चूंकि चोरी चोरी बोतलें पंजाब से आया करेंगी। मैं आज ही बता रहा हूं, संदेश बंसी लाल को दो, भारत का भारत हरियाणा बिचारे का करोड़ों रुपया कुछ दिल्ली खा जाएगा, कुछ वो खा जाएंगे, चूंकि बाकी या तो वो तो जगह बंद हो जाए, तो रुपया यहां का वहां गया, क्यों? इंसान नहीं छोड़ सकता, मर जाएगा पर छोड़ता ही नहीं। हालांकि डॉक्टर ने कहा है अगर ये आप आए शर्मा करेंगे, आप शराब पीती है ना? जी। बढ़ गई है ना पीना? हाँ। डॉक्टर के पास गया, बीमारी हो रही है इनको, फेफड़े खराब होता जा रहा है? हाँ। डॉक्टर ने क्या कहा? छोड़ दे भेड़िया, डॉक्टर ने यही कहा ना, यही आप मुझे कह रहे थे ना, वो भेड़िया छोड़ दे शराब, छुटती नहीं। फिर मैं तुझे कहूं, हाँ मेरा कहना मान, कफन लेके ना सराने रख ले, तेरा फिर कोई पता नहीं किस वक्त दम तोड़ दे, में अधी रात तेरा कौन कफन ले आएगा, इतनी शब्द कठोर। डॉक्टर ने कहा है, फिर तुझे छोड़ दी? नहीं, मैं पहले बोतल पीना हूं, अधी बोतल पीना है ना, ऊंट वाला हाल, ऊंट को पता है कि उस, उनको तो बेचारे को पता ही नहीं, पड़ा हुआ नहीं, और आप ये कौन पीती है जो ग्रेजुएट है, पता है जिन्हें इतने पढ़े लिखे हैं, डिग्री आपके पास है, ऊंट बेचारे को तो पता नहीं, वो सिर्फ तरफ बदल रहा है, यानी दिशा बदल रहा है, वृक्ष नहीं, आप सिर्फ संसार की चीजें बदल रही हैं, अपना दृष्टिकोण वो ही बनाए हुए हैं, संसार दी सेम, यू आर चेंजिंग ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओ मेरी बेटी, कितनी तेरी जाति तबाह होगी, कैरेक्टर तबाह हो गया, फिर भी वही हाल, कई चीजों से आप तबाह हो गए, फिर भी वही हाल, हाय फिर भी वही हाल है ना, कितनी बार डॉक्टर ने कहा क्या गोश्त न खाया कर, फिर थोड़ा कर दिया, नहीं छुटता, कितना जुल्म है मेरे बेटे, जीवों को मारना, बद दुआएं उनकी नहीं होगी, अंडे आप खाती है मेरे बच्ची की, आप समझ करके जैसे ये भुने हुए आलू है, लेकिन बड़ा भारी पाप है, और तेरे शरीर तो निकालते नहीं निकालता। डॉक्टर साहब ने कह दिया, फिर मैं पहले चार खाती थी, अब दो खाती हूं, रहा नहीं जाता, पता है बीमारी निकलने वाली है, डॉक्टर डरा भी दिया है कि शायद के टीबी का शक्ल निकल आए, टीबी ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए, लेकिन आप छोड़ नहीं सकती, ऊंट वाला हाल, पता है ये चीजें मुझे तबाह कर देंगे, लेकिन नहीं छुटती ना, मैं क्या करूं, पढ़ी लिखी हो आप, दृष्टिकोण नहीं बदलना, आप क्या कर रहे हो, चीजें बदल रहे हो, फिर संसार की दूसरी चीज ले ली, उसी संसार की तीसरी ले ली, चौथी ले ली, संसार वही, चीजें बदल रही है, वृक्ष वही, ऊंट तरफे बदल रहा है, और भला हो महापुरुषो, भला दृष्टान दे के इट मेड इजी, कितना आसान कर दिया, हम छोटी अकल वाले भी जल्दी पिकअप कर लेते हैं। बेटे आपने तो कल्याण करना है ना, आपने तो तर जाना है, तो फिर मालिक आया, खींच के ले गया कमले ऊंट को किसी और वृक्ष पर, इस जैसे मालिक मेरे जैसे अपने चरणों के प्यारे गीता के प्यारों को भेजती है, इनको जाओ समझाओ कि संसार का दृष्टिकोण बदलो, वरना पट पट मरने वाली बात है, खुद रब ने कहा है गम भी हिसाब उनको देने हो के, पढ़ लो गीता भगवान ने जोरदार कहा, कैसे व्यक्तियों को तीन प्रकार के दुख आएंगे, आधी व्याधि और शारीरिक मानसिक और पारिवारिक, तीन प्रकार के दुखों में जीव मुब्तला आजकल हो रहा, संभल मेरी बेटी संभल, संभल मेरे बुजुर्गों और खासकर मेरे जवानों संभलो, पता है कि ये पान खराब करता है, अभी चूस रहे हो ना, चूस रहा हूं, और इसमें क्या गंध डाला है, नशा डाला हुआ है, पता है कि मुझे तबाह कर रहा है, पता है आपके डॉक्टर साहब ने क्या कहा, छह दांत गिर गए हैं, अब बाकी भी गिरने वाले हैं, चूंकि इसमें विशेष प्रकार का है, डॉक्टर तो ये तुझे कहा था क्या, पता नहीं सोते सोते ये जबड़ा तेरा अंदर ही चला जाए, यानी इतने कमजोर हो चुकी है, पान चबा 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 करके, इसमें जो सत्था होता है सत्था, हाय खराब चूने की तरह चूना, वो बिल्कुल ही तबाह कर देता दांतों को, चूना और सत्था के थत्था, थत्था तो जो अड़ के बोले थत्था, हां जी सत्था, तो ये दोनों ही बर्बाद, फिर
उसके बाद आपने ये नशे वाली चीजें बीच में डाल ली, फिर एक मेरा भाई तम्बाकू डाल के चूसता है, सब अपनी तबाही। ऊंट को तो नहीं पता, आपको नहीं पता, पता तो है, बताया भी गया है। हाय नहीं मैं रह न सकता, हाय हैरान हाल, पढ़े लिखी है सत्संगी है फिर भी वही हाल। आ ये क्यों, जब पता है इसलिए कि ज्ञान नहीं पल्ले, ये इसलिए मेरे प्रभु के ज्ञान की कदर करो, ज्ञान है इसीलिए हमारी पुरानी आदत बदलने के लिए, उसकी जगह शुभ आदत बन जाएगी, पुराने विचार बदलने के लिए शुभ विचार बन जाएंगे, पुराने कर्म बदलने के लिए शुभ कर्म हो जाएंगे, पुरानी संगत बदलने के लिए शुभ संगत हो जाएगी है, पुराने टीचर बदलने के लिए आपका रब का प्यारा प्रीचर आपको मिल जाएगा। टीचर गान प्रीचर कम केम कम हर मीप ओवरहॉलिंग हो जाती है, हर बात में ओवरहॉलिंग मेरी बेटी, बिल्कुल कितना अच्छा जीवन बन जाते हैं, चार दिन आराम से रह जाते, परमात्मा आजकल बड़े खुश होती हैं आजकल, क्योंकि कोई कोई परमात्मा के उपदेश के अनुसार अपना जीवन गुजारता है, कोई कोई ना दुख पाओ ना रो ना पिटो ना बर्बाद हो ना आत्महत्या करो अगर ज्ञान ले ले तो। इसी के साथ दूसरा दृष्टांत देती है, क्या रात को बड़ा पेशाब आया किसी को, जोर का आया, क्या पजामे निकल जाएगा, भागा बेचारा और गिरा मेज लगी, क्योंकि ड्राइंग रूम में सोए हुए थे, और परे कुर्सी लगी, और वो परे जो है दरमियान वाली टेबल लगी, अब वो गाली ने अंदर, मुझे दुख गया, मेरे पैर से खून निकल आया, मेरे गुट्टा टूट गया, मेरी जान में पता नहीं कोई चीज घुसड़ गई। अब गाल के दिल लगा घरवाली को, गाल के दिल लगा पुत्रों को, और मर जाओ तो बेड़ा घर को है, वो तुझे मैंने मार छोड़ा, बीच में मेज रखी जे, बीच में कुर्सी रखी जे, सारे घर पर यार उठ बैठा, क्या हुआ क्या हुआ, और देखो क्या हुआ, मेरा बुरा हाल की मेज रखी बीच में आपने। आए घरवाली बटन ऑन किया, सत में लहू लुहान हुए पड़े, अब उसको मारा मुक्का, उसको लड़के को मार, घरवाली को मार, अपनी धी को दो मार दिए, मर जानी तूने ये रखा और मार लो और मर, पट्टी पुट्टी बाप की पेशाब करवाया पट्टी की, पानी पिलाया, हाँ पिताजी शांत हो गए हो, हाँ पिताजी अगर आप ही जब उठे थे, अब बेड स्विच आपके पास लटक रहा था, बेड स्विच जानती मेरे पुत्र, वह लंबा सा लटक रहा होता है, वैसे यू करना होता है, नीचे बटन दबाना होता है, अगर बेड मैं क्या करता मैंने पेशाब जोर से आया प्याई, अगर बेड स्विच करती तो जो चीजें जहां पड़ी थी पड़ी रहती, आप रास्ता निकाल लेते। आपने देख लो घर में हमें सारों को मारा, हमें दर्द हो रही है, ठीक कह रही है, पर मुझे पेशाब बड़ा जोर का आया हुआ था ना, मुझे ये होश ही नहीं थी मैं बेड स्विच ऑन कर लू, फिर पिताजी कसूर तो मेरा, मैं तुम मारे आओ मैं प्यार करूं, मैंने नहीं किया चीजें तो पहले हमने तो नहीं रखी थी, इस तरह मेरे कृष्ण कह रहे हो नेक जीवो, क्यों बुरा मनाती हो मेरा, दुनिया गंदी थे, गर्मी गंदी थे, सर्दी गंदी, मेरे घर वाली गंदी, मेरी सेहत गंदी, मेरी धी नहीं चंगी थी, मेरा फलाना नहीं चंगा, अगर गीता जी के ज्ञान ही ले लिया होता तो इसको ऑन कर लेते कितना अच्छा होता है ना। वो झल्ला आदमी पत्नी को मार, गालियां दे, इधर की सुना उधर की सुना, अगर बटन ऑन किया होता, चीजें पड़ी रहती है एज दे आर, हम अपना रास्ता निकाल लेते, अगर पहले ज्ञान ले लिया होता हम अपना रास्ता निकाल लेते, उसको गालियां दे, उसको गालियां दे, उसको बुरा भला कहे, उधर जाके बुरा कहे, इज इट प्रॉपर, इंटायरली इम्प्रॉपर। काश के भगवान के ज्ञान की कदर की होती, जब आप नहीं करते तो फिर मालिक मेरे भाग अच्छे जो मुझे गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जाओ जो आज्ञा मेरे प्रभु जी समझाओ, आप भी समझ जाओ, ओ नेक जीवो, ओ नेक मेरी देवियों, आप भी समझ जाओ, कुछ नहीं कहना संसार को, हमने केवल भगवान का ज्ञान ले लेना, कुछ नहीं कहना पत्नी को बच्चों को आधी रात को, केवल बटन ऑन कर लिया करो, चाहे जोर का पेशाब आए, बटन ऑन करो, मेज नजर आ जाए, चीजें नजर आ जाए, हम लोग रास्ता लेके निकल जाएंगे, ज्ञान भगवान का में आ जाए, हम किसी दुनिया वालों कुछ नहीं कहेंगे, हमें क्या रहने का ढंग,
इरादा करने का ढंग, विचार करने का ढंग और कर्म करने का ढंग, व्यवहार का ढंग, लोक का ढंग, परलोक का ढंग आ जाएगा। दसो दिला तेन होर की चाहिदा। ये यही तो लाभ है गीता जी का, वरना भगवान क्या जय जयकार करवाने के लिए आए थे? कदापि नहीं, कदापि नहीं। भगवान हम मूर्खों को स्याना बनाने आए थे, हमारे पर्दे उतारने आए थे। हमें क्या बनाया? दानव से मानव और मानव से देवता बनाने आए। जो एनिमल मैन थे वो मैन मैन बन गए, जो मैन मैन थे वो सुपर मैन बन गए, जो सुपर मैन थे भगवान की जात में समा गए। समा गए तो भगवान उनके लिए कह रहा है, मकामे मुल्ला मेरा है वही पर पहुंचकर जहां से न लौटे कोई, वो परम धाम मेरा वो धाम है जहां से जीव जाके फिर एक में को जाती है। दे वुड कम बैक। बिल्कुल, आप बटन ऑन करें, किसी से न लड़े, केवल भगवान का ज्ञान ले ले, बस केवल भगवान का ज्ञान। तो मेरा दर्जा, मैं भगवान के ज्ञान का इलेक्ट्रीशियन हूं। तो फिर क्या, हम गर्म कपड़े तूने पहन लिए ना, कसूर तेरा था कि तूने इधर उधर खर्च कर देता है और जरूरी चीजों पर खर्च नहीं करता। इससे दना आदमी क्या, दना आदमी क्या, अवसर के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। शीतलहर चलने दो, गर्म कपड़े पहन रखे हैं। अगर दुनिया गंदी बन रही है और गंदी बन रही, बनने दो, आप गर्म कपड़े मेरे भगवान के ज्ञान के पहन लो, भगवान की भक्ति के पहन लो। ओ नेक जीवों, मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए गए, मैं आपके लिए भेजा गया हूँ, मैं केवल आपके लिए हूँ, भगवान की कसम, गीता की कसम, मैं केवल आपके लिए भेज, मेरी कोई रन नहीं, मेरा कोई कन नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, मेरे कोई सास ससुर नहीं थे, मेरे कोई फलानी नहीं, कुछ नहीं, केवल मैं आपका हूं और आप मेरे, मैं तो केवल आपके लिए भेजा गया हूं। मेरी कोई सेवा इसकी जिम्मेवारी कोई नहीं कि मैं भगवान का गर्मा गर्म ज्ञान आपको दूं, ताकि आप जिंदगी के चार दिन जो गुजर गए वो तो गुजर गए, बाकी जो रह गए आराम से कट जाए। आप देखो ना, मेरी कोई और जिम्मेवारी हो तो केवल आपके लिए बैठा हूं ना बच्ची, मैं तो परलोक भी बनाई बैठा हूं। मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, मेरे प्रभु क्षमा करे मुझे, उन्हें मेरा प्रलोक भी बना दिया। अब मेरी बात के क्या क्या ड्यूटी है? आपको पता लग जाए कि भगवान का अवतार क्यों हुआ और भगवान का ज्ञान किस लिए होता है। भगवान का ज्ञान दुनिया में खुशी से जीने के लिए। मैं फिर कह दूं, भगवान का ज्ञान किस लिए होता है? दुनिया में रो पेट के ना गुजारे, हंस के गुजारे, और मरना हरेक ने है, जब वक्त आ जाए मरने का खुशी से चले जाए। मैंने कई बार कहा गीता को उपदेश किस लिए है? टू लिव हैप्पीली, टू लीव हैप्पीली। बेटी टू लिव हैप्पीली, और आगे मैंने क्या बोला? टू लीव, छोड़ना संसार को, लिव हैप्पीली, लीव हैप्पीली। ये गीता हमें कला सिखाती है अपने ज्ञान से, टू लिव हैप्पीली, एंड जब टाइम आ जाए भगवान बिगड़ मारे वापस, लीव हैप्पीली। कितनी छोटी की कला है मेरे भगवान की, सीख लो बच्ची। मैं अपने साथ लेना जाऊं, मैं तो आपके लिए आया बैठा हूं। अब जब आप मुझे सारो तो सिर्फ शरीर सड़े, ये ज्ञान जो रब ने दिया है वो आप में बट जाए, सारों के अंदर, सारों में बट जाए ये ज्ञान, सारों में बट जाए, तभी तो मेरा मरना सफल हो गया ना। आपका साड़ना, लकड़ियां डालोगे साड़ोगे, सिर्फ ये सड़ जाए, जो अंदर रब ने ज्ञान रखा है वो न चला जाए वापस रब के पास, वो आपके पास जाए। जैसे बाप कहता है, पुत्र मेरे मरने के दिन आ गए, जो मेरी जायदाद है अपने नाम लिखवा लो, ले लो मेरे को लू, जो मुझे जायदाद कृष्ण ने दी हो मेरे से ले लो, कमले हो वो कमली मेरी दी है मेरे से ले ले। एक प्रॉपर्टी वो होती है जो माँ बाप देता है, एक प्रॉपर्टी वो होती है जो भगवान का भगत दे के जाता, वो प्रॉपर्टी बारी शरीर के लिए होती है, ये प्रॉपर्टी आपकी मन बुद्धि के लिए, सूक्ष्म शरीर के लिए। प्रॉपर्टी दो प्रकार की है हिंदुस्तान में, हाँ, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मकान जदाद जमीन इत्यादि, इंटरनल प्रॉपर्टी ज्ञान भक्ति वैराग, ये हमारी इंटरनल प्रॉपर्टी। ये मैं लेके ना चला जाऊं, लो मुझसे मैं दिए जा रहा हूं, लेती जाओ, चार दिन आराम से कट जाएंगे ना, कितने अच्छे कट जाएंगे। ऊंट ना बनो, इंसान बनो, इंसान ना बनो देवता बनो, देवता न बनो भगवान की जात में समा जाओ। क्यों देवता बन के रहे, फिर जन्म लेना पड़ता है,
भगवान ने कहा जब पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर गर्भ में आना पड़ता है। नहीं, हमें नहीं गर्भ में आना, हम जिसकी चीज है उसमें अर्पण हो जाएंगे। कब? जब भगवान का ज्ञान आपके अंदर बैठ जाएगा तब। गीता आपके लिए, गीता पन्ने में ना रहने दो, कागज में ना रहने दो, ग्रंथों में ना रहने दो, मेरी लबों पे ना रहने दो, गीता मेरी बुद्धि में ना रहे, गीता मेरे अंतःकरण में ना रहे, गीता आपके अंदर समा जाए तब भगवान मेरे पे बड़े खुश हो जाएंगे, तब प्रभु मेरे मेरी देवियों बड़े खुश मेरे पर होंगे। अगर गीता मेरे अंदर से जाकर आपके अंदर चली जाए, आप सबके अंदर समा जाए, आप देखेंगे कितनी मजे से दिन कटते हैं, कितनी अच्छी बुद्धि, कितने अच्छा मन, कितने अच्छे कर्म, कितनी अच्छे रात और कितनी अच्छे दिन, अपने आप में खुशी, अपने आप में प्रसन्नता, अपने अंदर भगवान की दिव्य शक्ति, हाय 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 हाय, बड़े अमीर हो जाओगे। ये वो अमीरी है जो बाहर की धन नहीं खरीद सकता, ये बड़ी निराली अमीरी है, बाहर का धन जिसे खरीद नहीं सकता ये वो ज्ञान है, बाहर का सोना जिसे खरीद नहीं सकता ये वो ज्ञान गए, बाहर के हीरे मोती भगवान की कसम जिसको खरीद नहीं सकते ये वो मेरे परमात्मा का ज्ञान है। वो जो मेरा परमात्मा है वो आपका भी है, क्योंकि वो आकाशवाणी से गीता में कह रहे हैं मैं सारे जा आका हूँ, माता पिता मैं दादा हूँ सबका मैं हूँ। आशा आपकी गीता का पन्ना पन्ना नहीं, श्लोक श्लोक पुकार पुकार के कह रहा है। ये किसका ज्ञान है? जो हमारे परम पिता है, जो हमारे जगत गुरु है, ये उनका सुखदायी ज्ञान है। किसी की मोनोपोली नहीं, किसी का अधिकार नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, प्रोप्रेटरशिप भी नहीं है किसी की, बल्कि आप सबका ज्ञान है। और हम धर्मभूमि भारत में पैदा हुए हैं, हमें गौरव है हम उस भारत में पैदा हुए हैं जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और अवतार लेके हमारे जीवों के लिए इतना चोटी का ज्ञान दिया। तो भारत का ज्ञान मेरा और आपका बर्थ राइट है, भारत का ज्ञान मेरा और आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे माँ बाप की जदात आपका जन्म सिद्ध अधिकार, भगवान का ज्ञान आपका जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट। गीता आपका बर्थ राइट है, गीता भगवान का आप जैसों के लिए वरदान है। पकड़ो इस वरदान को, लो और मालामाल हो जाओ, शांति से जियो। क्योंकि गीता ने ज्ञान दे के हमें समझा देना है कि ये इरादा कर लो, ये विचार कर लो, ये कर्म करके अपना जीवन आराम से कट जाओ, फिर नाम लौट के आए। क्योंकि बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, मन में कोई कामना वासना रहती नहीं, क्यों? पूर्ण शांति रब दे रही है। ये सारी कामनाएं, ये सारी वासनाएं, ये सारी इच्छाएं किस लिए है? पूर्ण शांति के लिए। आप पढ़ रही हो, जो मेरी बेटी स्वयं सो, इतना पढ़ रही हो, इतना कार्य किस लिए? भविष्य को चार चांद लगाने के लिए या भविष्य को ब्राइट करने के लिए? तो जब भगवान की ज्ञान से ही चीज खुशी मिल जाती है, फिर हमें और की जरूरत ही कोई नहीं, बिल्कुल खुशी सब कुछ मिल जाता है। देखिये गीता हमारी संपूर्ण कहां हो रही है, जहां है कृष्ण कामरानियां शादवानी है, वही धन है, वही इज्जत है, वही खुशी है, वही प्रसन्नता है, वही हर चीज है। गीता का अंतिम 18वें अध्याय का 78वां श्लोक पढ़ो और प्रेम के आंसू बहालो कि भगवान संजी के मुख से कलवार ही गए, यत्र योगेश्वरा कृष्णा, जहां भगवान कृष्ण का वास हो गया अंतःकरण में। और बताऊं दूसरी, ध्यान से सुनना मेरी देवी, दूसरी मंजिल पर कैसे जाएंगे? सीढ़ी के द्वारा। भगवान की जात में कैसे तलीन होंगे? भगवान के ज्ञान के द्वारा। ये अंदर जाने की ज्ञान सीढ़ी है। हाय मेरे मन दुखता है कि हम इस सीढ़ी की बेकदरी कर रहे गए, और खुशी हमें चाहिए, खुशी भगवान के पास है। बेटी जिस बात ने मुझे मस्त बना दिया, हम सारों परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, और परमानेंट हैप्पीनेस तो भगवान के पास होती है, जहां तो चलाए माने मिल नहीं सकती। तो फिर दूसरा सवाल होता है भगवान के पास कैसे पहुंचे? भगवान के पास ऊपरली मंजिल पर, ये मेरे गुरु ने कहा था, ऊपरली मंजिल पर जाओ, ऊपर पिताजी गए थे, मैंने जाना पिताजी के पास, मैंने जरूर जाना है पिताजी के पास, पिताजी मैं आऊंगा, और कोने में चल और सीढ़ी आ जा, मैं आया भगवान जी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा, पर मैं कैसे आऊं? ये मेरे ज्ञान की सीढ़ी है, मन को रख इसके ऊपर, मेरी ओर आ जा, ये भगवान का उत्तर है। ओ मेरी बेटी, ये मेरे प्रभु का उत्तर है। गीता नहीं, ज्ञान की सीढ़ी है,
जिसके ऊपर मन एक एक पग रखता हुआ भगवान की जात में समा जाता है, भगवान में तलीन हो जाता है। अजमाए बैठा हूं, ऐलानिया कहता हूं, आप भी करो, आप भी कर, मेरी मैया, मेरी नेक बेटी, आप भी करो और मेरे यहां पर रहना सफल कर दो। अब तो मेरे जीवन की शाम आ चुकी है, इस सूर्य के अस्त होने से पहले आप संभल जाओ ना, आप सारे संभल जाओ बच्ची। गीता भगवान की सीढ़ी है, क्यों भगवान के पास जाए? जो आपकी इच्छा है वो केवल भगवान पूरी कर सकते हैं। पूर्ण शांति, परमानेंट हैप्पीनेस, इंटरनल एंड प्रीमियर हैप्पीनेस, फ्रॉम वेयर? ओनली फ्रॉम ऑलमाइटी, केवल भगवान से। तो भगवान के में तलीन होना मेरे रात के लिए अनिवार्य हो गया, पर कैसे? भगवान की ज्ञान रूपी सीढ़ी से। बस मेरा पार समझो, मैं समझाने वाला हूं, समझो और चढ़ चलो कल्याण। और इस जन्म में तो ज्यादा साधना भी नहीं करनी पड़ती बेटे, कलयुग में जो बात मैंने अजमाई है मैं वही शब्दों द्वारा प्रकट करने की चेष्टा कर रहा हूं। या तो ज्यादा करना ही नहीं पड़ता, थोड़ा करना पड़ता है। क्यों? भगवान बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में सच्चाई के पुतले थोड़े होते हैं, बाकी सब पखंडी पखंड, पखंडी पखंड, गंदी गंद, पखंड ही पखंड। सच्चे इरादा के पक्के बहुत थोड़े, सच्चे इरादा के पक्के बहुत थोड़े। आप उनमें हैं, मेरी भगवती, मेरी बेटी, उनमें आप है, सच्चे इरादा के पक्के। तो प्रभु की बड़ी कृपा हो जाती है, बड़ी कृपा हो जाती है जब हम इससे लग जाते हैं, जुट जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कलयुग में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, बाकी युगों में बहुत ज्यादा। तो मौज बाहर है, मैं यकीन दिला रहा हूं अपने अनुभव के आधार पर, और आप विश्वास कीजिए, फिर आपका अपना विश्वास हो जाएगा, फिर आपका अपना तजुर्बा हो जाएगा। तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ। धर्म स्थान इसलिए हुआ करते थे कि हमें असलियत का पता लगे, और धर्म ये एक धर्म स्थान आपके माला में मेरे इष्ट देव भगवान कृष्ण ने ऐसा बनाया है जो आपको अपने बारे में बतला रहा है कि खोई हुई चीज कहां मिलेगी, खोया हुआ आनंद, खोया हुई खुशी कहां मिलेगी। और मेरी महाराज जी बता रहे मेरे ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में। ज्ञान कैसे अनुभव होगा? ओ इसका उत्तर देने लिए भगवान ने मुझे भेज दिया। ज्ञान कैसे मुझे, मैं आपको इजी कर रहा हूं भगवान का ज्ञान। आगे पक्के इरादे करके अपनाई जाओ। बस हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है तो रोटी खाओ ना, रोटी कहां मिलेगी? चौके पर। चौके पर कौन है? आपकी सगी माँ पका रही है, जाओ भाग के जाओ खाओ। हमें आनंद चाहिए भगवान के पास, पर भगवान कैसे मिलेंगे? गीता में। गीता का कौन समझेगा? मेरी जैसी समझा रही है, मेरी जैसी वो घर पूरा कर रही है। वो आपके शरीर की माँ है, मैं आपकी मन की माँ हूं। वो तन का भोजन देती है जबकि मैं भगवान का भोजन दे रहा हूं, मन का भोजन दे रहा हूं। वो भी भोजन अनिवार्य है, ये भोजन भी अनिवार्य है, इसके बिना भी चारा नहीं। लो मैं पका पकाया रेडीमेड आपके लिए लाया हूं, सिर्फ आपने अब मां ने भोजन बनाया। अब ऐसे क्या, बच्चे को एक एक ग्रास करके चबाना तो पड़ेगा ना, जरूर। तो एक एक श्लोक थोड़े से आपको समझने तो पड़ेंगे ना, हाँ, और मन में रखे इतना तो करना पड़ेगा जरूर। भोजन एक एक ग्रास चबाना तो पड़ेगा, पेट में डालना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतना तो आपको करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। बस गीता के लिए आजकल यही बार बार कह रहा जा रहा है, क्या? पढ़ो समझो करो, पढ़ो समझो करो। बेड़ा पार, फिर भगवान शक्ति दे देती है मेरी बेटी, में प्रभु शक्ति दे देती है। ना भूलो मेरी बेटी, गीता क्यों, हिंदुस्तान में गीता क्यों? जीवों के दुखों की जड़े काटने के लिए, चार दिन शांति से काटने के लिए, और जब अंत समय आ जाए शांति से शरीर को यूं छोड़ जाए जैसे बाथरूम में हम अपने कपड़े उतार के नहाने लग जाते। आखिरी समय मेरे लिए बाथरूम बन जाएगा, उतार दिया, वो पहली तैयारी है। हम पहले तैयार होती है, बच्चे क्यों रोते, बच्चे तैयार नहीं होते,
जब माँ उतार देंगे रोती है नाती बात, उनको पता ही नहीं कपड़े उतारने हैं, न उतारना बेबे न उतार। जो नारायक जीव है वही मरती डार होती है, रब्बा और कोनी रिया माले में मेरे गया और किसी ने ले जा मेरी गंदा। और आप पहले तैयार होते हैं, बिल्कुल तैयार, पहली तैयारी होती है हाउ टू लिव हैप्पीली, हाउ टू लीव हैप्पीली, समझाती है गीता, बताती है गीता, आपके अंतःकरण में बिठाती है गीता। कितने अच्छे दृष्टांत दे रही है कि समझा रही है। आज मेरे मालिक ने मुझे कहा इस दृष्टांत द्वारा मैं आपको समझाऊं कि हम ऊंट नहीं, जो दरख्त वृक्ष तो वही रखा हुआ है लेकिन केवल दिशाएं बदल रही है। संसार तो हमारे वही है, प्राणी पदार्थ बदलते जा रहे, फिर वही दुख, फिर वही दुख। और दृष्टिकोण बदले, जो मैंने एक थोड़े से समय के अंदर प्रकाश डालने की कोशिश की। दृष्टिकोण कैसे बदला जाएगा भगवान के ज्ञान से? बस चा ककावा वही रहेगा, वही प्याली है, चा ककावा है, थोड़ी सा दूध भी वही डाला है, लेकिन अभी गंदा है ना, सिर्फ एक क्या क्या चीनी का चमचा डालना है, बस कावा वही, दूध वही, प्याली वही, और डाइनिंग टेबल वही, आप वही, केवल एक चीनी का चमचा भर के डाल दो, सब कुछ वही, आप वही, अंबाला वही, गली वही, मोहल्ला वही, वह रब दिशा वही, ज्ञान का एक चमचा अपने अंतःकरण में डाल दो, सिर्फ एक चमचा। ये तो ज्ञान की बोरी है, ये पता नहीं ज्ञान का क्या गोदाम है, गीता ज्ञान का गोदाम है, सिर्फ आपने एक चमचा डालना है, एवरीथिंग वुड बी चेंज। एक चमचा खान गीता में लिखा हुआ है, कोई बोले जरा भी जो ये धर्म, मैं जरा सा को कह रहा हूं एक चमचा, थोड़ा सा ज्ञान अंदर डालना पड़ता है, बस इंटायरली वी वुड बी चेंज इंटेलेक्चुअली मेंटली फिजिकली, ये तीन बदल जाएंगे। खुशी के दिन काट लो, मेरे जैसों का यह रहना और महाराज जी की वाणी का प्रचार करना सफल हो गया, बिल्कुल ही सफल। अगर आप जैसे बदल जाए तो, और बैठे ही मैं आपके लिए, तो मेरा आना नहीं, जाना नहीं, घूमना नहीं, मैं कोई इनवाइट लाख करते रहा, मैं कभी इनवाइट होता ही नहीं, मैं ऐसा पत्थर हूं जो पड़ा हूं, नहीं भाई मैंने कहीं जाना, बिल्कुल नहीं। ताकि आपको बार बार सुनाया जाए तो बदल जाए। एक जगह बार बार बाल्टी रखती है तो सीमेंट भी नीचे क्या घिसा हुआ नजर आता है, एक ही बार जहां घड़ा रखा जाए तो एक को इतनी जनता को बार बार सुनाया जाए, अंतःकरण बदल जाते हैं। सत्संग में आने से क्या 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 तकदीर बदल जाती है। अरे यारो, शरीर का फ्रेम तो वही रहता है पर अंदर की तस्वीर बदल जाती है, बिल्कुल हम चेंज हो जाती है। परमात्मा करे ऐसा ही हो, परमात्मा करे मेरा यह बैठना और महाराज जी की वाणी सुनाना बिल्कुल सफल हो जाए और आप रंग लाए। आप भी पक्का राधा करो मेरी देवियों, मेरे सजनों, तो मैंने तो इस जन्म में अपना कल्याण कर ही लेना है। जब मालिक ने इतना सुनहरी मौका दिया है तो हम फायदा उठा रहे हैं, इससे भी ज्यादा फायदा उठाएंगे। तर जाओ मेरे नेक जीवो, तर जाओ मेरी देवियो, नारी चोने में आपको इतना बढ़िया मौका, सारे हरियाणा में कहीं भी नहीं मैं देखे बैठा हूँ, आंखें बंद करके मैं भली प्रकार चारों ओर देखे बैठा हूँ, लगातार सवेरे शाम गीता जी कहीं भी हरियाणा में नहीं गया। ये स्थान पता नहीं सता ने क्या पुण्य कर रखेंगे जो बिल्कुल गीता जी सवेरे शाम आपको दी जा रही है। लाभ उठा लो, पूरा पूरा लाभ उठा लो। मैं समझाने को तैयार, आपके मुश्किल को आसान करने को तैयार, भगवान की दिव्य शक्ति आपके साथ है, मेरी हार्दिक शुभ भावनाएं आपके साथ है। लाभ उठाइए और बदल जाओ और अपना कल्याण कर लो और न गीता का शुक्रिया करके चले, इतनी छोटी की वाणी का धन्यवाद दे के चले और बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक महाराज जी के ज्ञान का शुक्रिया करके चले। इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, सब बोलो मेरी बेटी, सारे धन्यवाद दो भगवान जी को, हार्दिक धन्यवाद दो अपने इष्ट देव को। इस गीता वाणी के मित्रों, ज्ञान के सदके, ओ
ओए जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, हर बोल गए एक शोला इस एहसान के सदके है, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके, उस कृष्ण पे उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, जाओ जाओ जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, इस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, इस गीता हर बोल गए एक चोला इस एहसान के सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान पे सदके, उस कृष्ण पे कुर्बान आए, उस कृष्ण पे कुर्बान लबे परमान के सदके, और जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, वाह वाह वाह, जिसने ये बनाई उस भगवान के सदके, उस गीता वाणी के मित्रों ज्ञान के सदके, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।